आज हम डिज़ाइन टैब में पेज बैकग्राउंड ग्रुप के बारे में जानेंगे कि पेज बैकग्राउंड ग्रुप में क्या क्या होता है। तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप में वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर आता है। ये तो सबसे पहले वाटरमार्क। तो वाटरमार्क क्या होता है? ये वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के पीछे हम कुछ भी टेक्स्ट या कंपनी का नाम या कोई यहाँ पे इसके पीछे पिक्चर लगा सकते हैं, तो उसको वाटरमार्क बोला जाता है। तो ये हम वाटरमार्क यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियल, इस स्टाइल में आएगा ये। इसके बाद डायगोनल स्टाइल है ये। इसके बाद है ये अगला हमारा है ओरिजेंटल। ओरिजेंटल भी हम ये शो कर सकते हैं ये, या डू नॉट कॉपी कि ये जो है हमारी डॉक्यूमेंट की इसकी कॉपी नहीं की जाए, तो ये हमारा डायगोनल ये स्टाइल है डू नॉट कॉपी। ये अगला स्टाइल है हमारा ओरिजेंटल। तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं ये कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे ये हमारा कॉन्फिडेंशियल, ये हमारे वाटरमार्क आ गया ये पीछे। ये देखो ये सारा कॉन्फिडेंशियल हमारे डॉक्यूमेंट इसके पीछे आ गए। तो यहाँ पे इसके बाद ये डायगोनल स्टाइल है, अगर हमने हॉरिजॉन्टल करना है ये, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अगर हमने अगला स्टाइल यूज़ करना है डू नॉट कॉपी, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट कॉपी। अगर इसी को हमने हॉरिजॉन्टल करना है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये आ जाएगा डू नॉट कॉपी। इसके बाद है अगर हम ये अगला स्टाइल हमारे पास मोर वाटरमार्क फ्रॉम ऑफिस डॉट कॉम, हम इंटरनेट के जरिए वाटरमार्क यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ये। इसके बाद है अपने हिसाब से वाटरमार्क बनाना, तो यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो कस्टम वाटरमार्क यहाँ पे गए। इसके बाद है नो वाटरमार्क, अगर नहीं चाहिए हमें वाटरमार्क तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे नो वाटरमार्क, ओके। ये देखो यहाँ से वाटरमार्क जो है वो चला जाएगा। इसके बाद है अगला हमारे कस्टम वाटरमार्क में पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क का मतलब ये होता है कि यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क नहीं आएगा, यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क आएगा। सपोज करो यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेलेक्ट पिक्चर, यहाँ पे कोई पिक्चर हमने सेलेक्ट की, यहाँ पे ऑफलाइन कोई पिक्चर हमने ली है। सपोज करो हमने यहाँ पे कोई पिक्चर उठाई, जैसे ये पिक्चर उठाई हमने, और इसके बाद हम ये यहाँ पे स्केल ऑटो ही रखा या, और इसके बाद हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखो यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क आ जाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क भी अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क, इसको हटा देते हैं ये, यहाँ पे हमने क्लिक किया ये हटा दिया। और यहाँ पे ये हटाने के बाद अगर हम टेक्स्ट वाटरमार्क यहाँ पे लिखना चाहते हैं, सपोज करो हम यहाँ पे ये पिक्चर की जगह अपने चैनल का नाम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाटरमार्क यहाँ पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज इंग्लिश ये सिलेक्ट रहने देंगे, या जो भी और भी यहाँ पे हमने कोई सेट करनी है तो हिंदी भी सेट कर सकते हैं ये, और भी हम यहाँ पे लैंग्वेज सेट कर सकते हैं ये, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश ही रखा ही है। इसके बाद टेक्स्ट यहाँ पे हम इसको मिटाएंगे, आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखा बायस ज्ञान टेक, ये मैंने अपने चैनल का नाम लिखा ही है। इसके बाद यहाँ पे फॉन्ट, ये भी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ये, सपोज करो मैंने ये फॉन्ट यहाँ पे चूज़ किया ये। साइज़ यहाँ पे हम साइज़ कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं ये। इसके बाद कलर, अगर हम कलर में लेना चाहते हैं वाटरमार्क
तो कलर में कर सकते हैं ये। सपोज करो हमने कोई भी यहाँ पे कलर ले लिया, ये सपोज करो हमने ये कलर लिया, ये डायगोनल करना चाहते हैं या हॉरिजेंटल, ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा लेना है। सपोज करो हमने यहाँ पे डायगोनल स्टाइल लिया, ये लेने के बाद हमने क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये देखो क्लोज किया, ये देखो बायस ज्ञान टेक, ये वाटर मार्क यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे वाटर मार्क बनाकर अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कस्टम वाटर मार्क, अगर ये हो गया, इसके बाद है रिमूव वाटर मार्क। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में ये वाटर मार्क हट जाए, तो हम यहाँ पे रिमूव वाटर मार्क यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वाटर मार्क जो है वो चला जाएगा। तो इसके बाद ये वाटर मार्क का हो गया। इसके बाद है पेज कलर, अगर पेज को कलर हमने कलर में लाना है अपना डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे किस कलर में चाहिए। सपोज करो ये हमारे पास कलर है, ये इस कलर में चाहिए, अगले में चाहिए, ये देखो जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ उस कलर में ये बन जाएगा। ये देखो ये है, सपोज करो ये कलर चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, इस कलर में आ जाएगा ये हमारा डॉक्यूमेंट। इसके बाद पेज कलर, कोई भी कलर नहीं चाहिए तो ये नो कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कलर हट जाएगा ये। इसके बाद है मोर कलर, और कलर चाहिए, ये स्टैंडर्ड है, कस्टम अपने हिसाब से हमने कलर यहाँ पे क्रिएट करना है। ये तो ये सपोज करो यहाँ से हमने कोई भी ये कलर चूज़ करना है, ये हमने कलर लिया, ये देखो इसको कम या ज़्यादा करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये कम हो रहा है, अगर हम नीचे करेंगे तो ये ज़्यादा कलर में आ जाएगा, ये देखो। तो इस प्रकार हम कलर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कलर हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा, ये देखो ये कलर। इसके बाद ओके पे क्लिक किया, ये कलर हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कलर को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास फिल कलर, तो फिल कलर के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिल कलर में हमारे पास पहला ये जो टैब है ग्रेडियंट, तो यहाँ पे वन कलर चाहिए, टू कलर चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी कलर हम यहाँ पे चूज़ करेंगे, जैसे टू कलर चाहिए, यहाँ पे टू कलर पे हमने क्लिक किया ये। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहिए, ये देखो वर्टिकल आ जाएगा। डायगोनल अप चाहिए, इसमें आ जाएगा ये। डायगोनल डाउन इसमें आ जाएगा। फ्रॉम कॉर्नर इसमें आ जाएगा। फॉर्म सेंटर इसमें आ जाएगा ये। तो इस प्रकार हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या और कलर यहाँ पे चाहिए तो ये कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ये, और ओके किया तो ये हमारे पेज में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो इस प्रकार हम इसको अप्लाई कर सकते हैं ये। इसके बाद है फिल कलर, इसमें टेक्सचर सेकेंड आइए। अगर हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना है टेक्सचर में हमारे पास ये आ जाएंगे, अगर इसमें से कोई चाहिए तो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे। सपोज करो ये चाहिए, ओके पे क्लिक किया, ये देखो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें टेक्सचर में ये कलर सेट कर सकते हैं ये। इसके बाद है अगला है हमारे पास फिल इफेक्ट्स, इसके बाद पैटर्न, तो ये पैटर्न में हमारे पास अलग अलग हैं, ये कौन सा जो भी चाहिए हमें, सपोज करो ये चाहिए, ओके पे क्लिक किया है तो इस पैटर्न में आ जाएगा ये। तो इस प्रकार हम ये सेट कर सकते हैं, पेज कलर सेट कर सकते हैं ये। तो इसके बाद ये हमने पीछे इसको किया ये बैक। इसके बाद हमारे पास है ये पेज बॉर्डर, तो पेज बॉर्डर पे गए। इसके बाद बॉर्डर यहाँ पे क्लिक किया, बॉर्डर पे ये स्टाइल है ये देखो ये स्टाइल इसमें चाहिए या इसमें चाहिए, ये हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, ये देखो बहुत से ऑप्शन है। सपोज करो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये। इसके बाद यहाँ पे कलर है,
किस कलर में, ये जो दो लाइनें हैं किस कलर में चाहिए, सपोज करो ये हमें इस कलर में चाहिए ये, तो ये कलर ये पैराग्राफ के लिए सेट करना है हमने, पैराग्राफ के लिए अप्लाई हो ये, तो यहाँ पे क्लिक किया ये देखो पैराग्राफ के लिए ये अप्लाई हो गया। तो इसके बाद अगला हमारे पास यही जो है, अगर हम चाहते हैं कि ये जैसे टू, ये सारे डॉक्यूमेंट के लिए हमने अप्लाई करना है ये देखो ये कलर होल डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट के लिए चाहिए, पैराग्राफ के लिए नहीं चाहिए। तो यही हमने दो लाइनें और ये कलर सारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे होल डॉक्यूमेंट ये भरा और ओके कर दिया, तो ये सारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। ये देखो ये जितना भी है ये सारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सारे डॉक्यूमेंट में ये अप्लाई कर सकते हैं, या पैराग्राफ के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये अगर हम पैराग्राफ ऑप्शन लेंगे तो पैराग्राफ में ये बॉर्डर सेट हो जाएगा, अगर होल डॉक्यूमेंट तो होल डॉक्यूमेंट में ये सेट हो जाएगा। इसके बाद आइए अगला हमारे पास और भी यहाँ पे स्टाइल है, ये जैसे सपोज करो हम यहाँ पे गए, ये देखो हमारे पास बहुत से यहाँ पे ऑप्शन है, ये यहाँ पे जो भी स्टाइल हमें अच्छा लगता है ये उस स्टाइल में, जैसे ये स्टाइल मुझे अच्छा लगता है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो ये देखो ये प्रीव्यू शो कर रहा है कि ये ऐसा दिखेगा। ये इसके बाद होल डॉक्यूमेंट में चाहिए, सारे जितना भी है ये हमारा डॉक्यूमेंट इसमें सभी में चाहिए, तो इसके बाद हमने ओके पे क्लिक किया, ये देखो ये जो बॉर्डर है ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में पेज बैकग्राउंड में वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।